बेटा ये देखिए, अब यहाँ से कहानी आगे चली पीछे, ठीक है, समझ रहे हैं? और समझना कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सी कहानी है। यानी कि सर अगर बात की गई तो इसमें भी आपको जो मोनो डाई और ट्राई ये तीन थे, इसमें से बेटा आपको एक पढ़ना है, और वो कौन सा पढ़ना है? मोनो वाला। देखो सर अगर बात की जाए जो मोनो हेलो कंपाउंड, क्या बेटा? मोनो हेलो कंपाउंड, देखिए ये था सर हमारे पास, क्या बेटा? मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो हेलो कंपाउंड। जो मोनो हेलो कंपाउंड है बेटा, मोनो का मतलब एक, हेलो का मतलब हेलोजन, और कंपाउंड का मतलब यूनिट, कि जो मोनो हेलो कंपाउंड है, इन मोनो हेलो कंपाउंड को बेटा आगे क्लासिफाइड किया गया, और क्लासिफाइड का जो बेस था वो बेस क्या था बेटा? हाइब्रिडाइजेशन संकरण, जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सर एक बात बताइए, अगर यहाँ से बात की जाए संकरण की, तो बेटा जो आपका एक था एल्किल हैलाइड आर सिंगल बॉन्ड एक्स, और दूसरा क्या था बेटा? ए आर सिंगल बॉन्ड एक्स। देखो बच्चा, तो यहाँ पे एक तो ये था आपके पास, और दूसरा क्या था बेटा? ए आर एरोमेटिक रिंग, और इसके साथ क्या था? एक्स आया। तो जब बेटा इसको क्या किया आगे? क्लासिफाइड किया गया। क्या क्या किया बेटा? क्लासिफाइड। और ये जो क्लासिफाइड था ये किसके बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये किसके बेस पे था बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण के आधार। अब संकरण के आधार पर बेटा जो मोनो हेलो कंपाउंड है इनको दो भागों में बांटा। एक तो था सर हमारे पास sp3, और दूसरा था बेटा sp2। तो पहला था, फर्स्ट वन इज sp3, और सेकंड था, ये क्या था बेटा? सेकंड वन sp2। ये दो भाग। अब बेटा जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन था इसको बेटा फर्दर तीन पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया। इसको आगे कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया बेटा? तीन पार्ट में। एक सर ये दो, और ये बच्चा तीन। और वो कौन कौन से बेटा? सबसे पहला था एल्किल हैलाइड। कौन सा था बेटा? एल्किल हैलाइड, AlkyL, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड की बात की गई तो एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है बेटा? एल्किल हैलाइड का मतलब होता है सर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, वो क्या आएगा बेटा? sp3। और इससे नेक्स्ट कार्बन का भी क्या आएगा बेटा? sp3। देखो बेटा जैसे सर अगर यहां से बात की जाए तो बेटा मैंने ये लिखा CH3 सिंगल बोन एक्स, ठीक है, एक्स के तौर पर आप मान लो सी एल ले लिया आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन का संकरण, यहां पे बेटा तीन हाइड्रोजन है तो तीन सिग्मा बोन, और एक सिग्मा बोन ये चार, और चार के हिसाब से संकरण क्या आएगा? sp3। तो सर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp3। सर अगर मैं ये लिखूं तो cl सिंगल बोन ch2 सिंगल बोन CH3। ये सिर्फ इतना कहता है कि हेलोजन से जुड़ने वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगा बेटा? sp3। और इससे अगले वाले का भी क्या आएगा? sp3। अब ये देखो कार्बन, इस कार्बन में दो बोन बनाए तो हाइड्रोजन से, तो दो सिग्मा, एक बोन यहां से बनाया तीन सिग्मा, और एक बोन यहां से बनाया, हो गए कितने? चार सिग्मा, और चार के हिसाब से संकरण क्या था बेटा? sp3। फाइन, ये हो गया पहले आपका एल्किल हैलाइड। दूसरा होता है बेटा एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड की बात की जाए तो एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या? इसका मतलब होता है बेटा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन का जो संकरण है वो तो होगा बेटा sp3, और उससे नेक्स्ट कार्बन का जो संकरण आएगा वो क्या आएगा? sp2। देखो बेटा सर यहां पे ये हैलोजन लिखा, हैलोजन से जुड़ने वाले कार्बन का संकरण क्या आएगा बेटा? sp3, और इससे नेक्स्ट कार्बन का जो संकरण आएगा वो क्या आएगा सर? sp2। देखो बेटा हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन, इस कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन से तो दो सिग्मा, तीसरा बॉन्ड ये बनाया तीसरा सिग्मा, चौथा बॉन्ड ये बनाया चार सिग्मा, और चार सिग्मा के यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा? sp3। सर इससे अगले वाले कार्बन की बात की जाए तो बेटा एक हाइड्रोजन से बनाया एक सिग्मा, एक बॉन्ड ये है दो सिग्मा, और तीसरा बॉन्ड ये तीन सिग्मा, और चौथा क्या बेटा? पाई बॉन्ड, और काउंट क्या होता है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। तो इस हिसाब से टोटल कितना होगा बेटा? सिग्मा, तीन सिग्मा, और तीन सिग्मा के हिसाब से संकरण क्या है बेटा? sp2। क्लियर बेटा? और तीसरा होता है बेंजिल हैलाइड। क्या होता है बेटा? बेंजिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड। अब बेंजिल हैलाइड की बात की जाए तो बेंजिल हैलाइड क्या होगा सर? बेटा ये सिर्फ इतना कहता है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन का संकरण तो क्या होगा? sp3, और उससे नीचे नेक्स्ट क्या जुड़ी होगी बेटा? बेंजीन रिंग। नेक्स्ट क्या जुड़ी होगी बेटा? बेंजीन रिंग। देखो बेटा अब हाइड्रोजन से जुड़ने वाले कार्बन का संकरण, इसका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो दो तो बेटा हाइड्रोजन, तो दो सिग्मा, तीसरा बॉन्ड ये तीसरा सिग्मा, चौथा बॉन्ड ये चार सिग्मा,
तो ये क्या हो गया बेटा sp3, और इससे अगले वाले का क्या हो गया sp2 आएगा। ये समझ में बेटा, इसमें कोई डाउट? देखो बेटा, अगर यहां से बात की गई sp3 की, तो sp3 के व्याह पे इसको बेटा तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला एल्किल हैलाइड, दूसरा बेटा एलाइलिक हैलाइड, और तीसरा होता है बेंजीन हैलाइड। एल्किल हैलाइड की बात की जाए तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगा बेटा sp3, और उससे नेक्स्ट वाले का भी क्या आएगा sp3। सर एलाइलिक हैलाइड में हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा बेटा sp3, और उससे नेक्स्ट वाले कार्बन का क्या आएगा sp2। सर बेंजीन हैलाइड की बात की जाए तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3, और नेक्स्ट नीचे क्या बेटा बेंजीन। शॉर्टकट तरीके याद करने की सिर्फ इतनी सी है, आप इतना देखो, देखो बेटा sp3 ऊपर क्या लिखा हुआ बेटा 3, तो जो 3 है इसका मतलब क्या है कि इसको तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। ऐसा कोई फंडा नहीं होता, ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की, क्लियर बेटा। और यहाँ पे एक चीज और कॉमन है, वो देखो कि हर बार हैलोजन से जुड़ने वाला बेटा ये हैलोजन है, और हैलोजन से जुड़ने वाले कार्बन का संकरण क्या है sp3। सर यहाँ पे भी हैलोजन से जुड़ने वाले कार्बन का संकरण sp3, और यहाँ पे बेटा हैलोजन से जुड़ने वाले कार्बन का संकरण क्या है sp3। आई कॉपी सर। अब दूसरे बेटा sp2, sp2 को बेटा यहाँ ऊपर कितना लिखा हुआ है 2, ये तो सिर्फ याद करने के फंडे होता है बेटा, बाकी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो सर sp2 को बेटा आगे दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। पहला है आपके पास विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड, और दूसरा होता है बेटा एरिल हैलाइड। देखो बेटा इसको आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया दो पार्ट में। पहला बेटा विनाइल हैलाइड या फिर इसको बोलते बेटा विनाइलिक हैलाइड, और दूसरा होता है बेटा एरिल हैलाइड। अब सर अगर बात कीजिए विनाइलिक हैलाइड इसका मतलब क्या, भाई देखो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे हर बार हैलोजन से जुड़ने वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था sp3, तो यहाँ पे हैलोजन से जुड़ने वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा sp2, बस इतनी सी बात है। तो सर यहाँ से अगर बात की जाए तो हैलोजन से जुड़ने वाला जो कार्बन है इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगा बेटा sp2। अब देखो बेटा एग्जाम्पल के तौर पर ये हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन, इस कार्बन में एक बॉन्ड बनाया बेटा हाइड्रोजन ने, एक बॉन्ड ये बनाया 2 सिग्मा, तीसरा बॉन्ड ये, और चौथा क्या बेटा पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं होता। तो बेटा सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हैं 3, और 3 सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp2। तो सर इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगा बच्चा sp2। एरिल हैलाइड में क्या होगा सर, यहां पे बस इतना सा बेटा कि हैलोजन सीधा किससे जुड़ा होगा बेंजीन रिंग से, हैलोजन किससे जुड़ा होगा बेटा बेंजीन रिंग से, और बेंजीन रिंग के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp2। बस इतनी सी कहानी बेटा, आई कहानी समझ, क्लियर बेटा। अब सर देखो यहां से, देखो बेटा दोबारा से एक बार रिकॉल कर देता हूं कि जो मोनो हेलो कंपाउंड है इसको बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन है संकरण, इस संकरण के आधार पर बेटा इसको दो भागों में बांटा गया है, एक sp3 दूसरा sp2। sp3 को बेटा तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजील हैलाइड। एल्किल हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा इसका संकरण बेटा sp3, और इस अगले वाले का भी sp3। एलाइलिक हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा इसका संकरण sp3, और इस अगले वाले कार्बन का बेटा sp2। और बेंजीन हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा इसका संकरण sp3, और नीचे क्या जुड़ेगा बेटा बेंजीन रिंग। सर sp2 को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, एक बेटा विनाइलिक हैलाइड और दूसरा क्या है एरिल हैलाइड। विनाइल हैलाइड की बात की जाए तो सर यहां पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वो क्या होगा बेटा sp2, और एरिल हैलाइड में हैलोजन किससे जुड़ा होगा बेटा सीधा डायरेक्टली बेंजीन रिंग से, क्लियर बेटा। अब यहां से अगर बात की गई तो यहां से भी बेटा इसको आगे और फर्दर क्लासिफाइड किया गया, फर्दर और क्लासिफाइड किया गया। अब जो क्लासिफाइड किया गया था वो क्लासिफिकेशन था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री के आधार पर, और डिग्री का मतलब सिर्फ इतना होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, वही क्या होता है इसकी बेटा डिग्री। अगर हैलोजन से जुड़ने, ध्यान से सुनना, विजुअलाइज करना, ये हैलोजन है, और इस हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है वही क्या होगा बेटा इसकी डिग्री। जैसे हैलोजन से जुड़ने वाला ये कार्बन, इस कार्बन, ये कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से, तो इसका डिग्री आएगा बेटा 1 डिग्री। ये कार्बन अगर सर 2 कार्बन से जुड़ा हो तो बेटा 2 डिग्री, और सर यही कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हो तो डिग्री कितना है बेटा 3 डिग्री। ये कहानी है। अब बेटा एक बात बताओ, यहां पर अगर बात की जाए तो हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन आगे कितने जुड़ा है, एक से भी नहीं, तो इसका डिग्री कितना है बेटा 0 डिग्री। ये वाला एग्जांपल देखो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा, एक से, इसका डिग्री कितना है बेटा 1 डिग्री। सर अगर मैं एक हटा के यहां पे CH3 लगा दूं तो उस कंडीशन बेटा ये हैलोजन जिस कार्बन जुड़ेगा ये कितने जुड़ जाएगा 2 कार्बन से, समझ रहे, यहां पे लिख रहा हूं ठीक है बेटा। देखो
आपके पास फिलहाल यहाँ पे क्या बेटा CH2 और सिंगल बॉन्ड CH, तो बेटा मैंने यहाँ से एक एच हटाया और यहाँ पे क्या लगा दिया CH3। अब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है कितने से जुड़ा बेटा, दो से, तो इसका डिग्री कितना आया 2 डिग्री। और सर ये एच हटा के भी अगर CH3 लगा दूं तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है, अब कितने कार्बन से जुड़ा बेटा 3 कार्बन से, तो इसका डिग्री कितना आया 3 डिग्री। हाई कहानी समझ, ये होता बेटा इसका डिग्री का मतलब। इसमें देखो बेटा, इसमें बेटा ये कंडीशन फिक्स है कि ये कंडीशन होगी तो ही एलाइलिक कंपाउंड है, एलाइलिक हैलाइड है, और अगर ये कंडीशन नहीं है तो हो ही नहीं। तो बेटा ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े वो एक भी कार्बन से ना जुड़े। भाई ये तो फिक्स है ना बेटा कंडीशन कि हैलोजन जिससे जुड़ेगा वो sp3 और उससे अगला वाला क्या होगा sp2। इस हिसाब से देखा जाए तो सर यहाँ पे 0 डिग्री पॉसिबल नहीं। बेटा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो कितने जुड़ा, एक से, तो डिग्री कितना आया 1 डिग्री। सर एक एच को हटा के अगर यहाँ पे CH3 है, जैसे मान लो इस एच को हटा के यहाँ पे क्या लगा दो बेटा CH3, तो अब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है ये कार्बन कितने से जुड़ गया, दो से, तो डिग्री कितना है बेटा 2 डिग्री। सर ये एच हटा के अगर CH3 लगा दिया जाए ऊपर की तरफ तो क्या आएगा बेटा, अब हैलोजन जिससे जुड़ा कितने जुड़ा 1 2 3, तो डिग्री कितना है बेटा 3 डिग्री। हाँ ना, आई कहानी समझ, तो ये है बेटा इसका डिग्री का मतलब। सिमिलर इसमें देखो बेटा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कितने जुड़ा, एक से, 1 डिग्री। सर एक एच हटाया तो बेटा 2 डिग्री, और तीसरा दूसरा एच हटा दिया तो 3 डिग्री। सर विनाइलिक हैलाइड की बात की जाए तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कितने जुड़ा बेटा, एक से, 1 डिग्री। अब बेटा यहां से एक कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना है, सिंगल हाइड्रोजन, और सिंगल हाइड्रोजन हटाओगे तो लगा भी कितना सकते हो, सिंगल कार्बन। तो यहां से अगर ये एच हटा के बेटा यहाँ पे क्या लिख दूं CH3, तो इस कंडीशन में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है कितने जुड़ा बेटा, दो से, तो इसका डिग्री कितना आ जाएगा 2 डिग्री। समझ के यहाँ पे बेटा 3 डिग्री पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि बेटा इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं ना, अब है ही नहीं तो हटाओगे भी कहां से, आई कहानी समझ। तो बेटा यहाँ पे सिर्फ कितना बनेगा आपका 1 डिग्री, और दूसरा क्या बनेगा सर 2 डिग्री। ये देखो बेटा यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अब ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से, तो इसका डिग्री कितना है बेटा 2 डिग्री। अब यहाँ पे ये बताओ बेटा 0 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री पॉसिबल है ही नहीं, नहीं है, सिर्फ यही आएगा। क्योंकि यहां से अगर बात की जब कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की पावर होगी तो 4 बॉन्ड बना ली, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन कब लगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हो गया, अब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है ना, तो लगाओगे कहाँ से, क्लियर बेटा। तो ये कहानी टोटल आपकी। अब यहाँ पे बेटा जो आपको मेनली पढ़ना है वो दो पढ़ना है, एक तो बेटा आपको ये पढ़ना है एल्किल हैलाइड, और दूसरा आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना बेटा ये एरिल हैलाइड, ये दो पढ़ना है। बाकी करते बेटा अगली वीडियो में, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझ समझ के अपने नोट्स बनाते रहना। देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि जिंदगी में जो कुछ करना है वो तुम्हें करना है, हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, हमें जो कुछ आता है हम आपको सिखा रहे हैं, और हम इस चीज के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे, धन्यवाद। और अगली जो वीडियो होगी उस वीडियो में हम यहां से अगले वाले पोर्शन पे चलेंगे, और वो होगा बेटा आपका आयोपेक नॉर्मन क्लेचर। थैंक यू।